हेलो एवरीवन, मैं आज आपको कल करेला की रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए, हमने करेला छील के ले लिए है, आधा किलो है। अब इनको हम बॉयल पानी में डालेंगे, हल्का सा इनको बॉयल करेंगे 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, एक उबाल आने तक। इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट 10 मिनट हो गए हैं। अब हमारे एक उबाल हो गया है करू करेला का। अब इनको निकालेंगे हम। ये हम निकाल लेंगे पानी से। और ये देखिए, हमने मसाला यहाँ पे ये लहसुन प्याज ली है हमने, और ये लहसुन प्याज लिया है, और ये लिया है आम की करी, और ये नींबू का रस लिया है, ये हल्दी पाउडर लिया है, ये मेथी लिया है, जीरा लिया है, और ये धनिया पाउडर है। अब इनको भूनेंगे हम। ये देखिए, हमने पैन चढ़ाया है यहाँ पे। अब हम मेथी डालेंगे और जीरा डालेंगे। अब इनको भूनेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, इसको भी भूनेंगे। अब ये भून गया है, अब इसको पीसेंगे। अब देखिए, ये सब मसाला हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला, बन पिस गया है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। हम इनको भरेंगे। इस तरह से भर देंगे। इसी तरह से सब भर लेंगे। ये देखिए, हमने करेला भर लिया है, करू करेला। और हमने कढ़ाई चढ़ाई है, यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। अब इनको तलेंगे।
ये देखिए अब इनको पलटेंगे। ये देखिए को धीमी आंच में पकाए तो अंदर तक पकते हैं। ये देखिए हमारे कल करेला पक गए हैं। देखो देखो कैसे बढ़िया कुरकुरे कुरकुरे। अब हम गैस बंद करेंगे, अब इनको निकालेंगे। ये देखिए कैसे हमारे तैयार हो गए हैं। इनको दाल चावल रोटी के साथ सर्व करें। और प्लीज हमारा ये वीडियो करू करेला का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सुदामा भदौरिया को, और कमेंट करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।